आतंकियों ने आज रात कश्मीर में भाजपा के 3 नेताओं की गोली मारकर हत्या कर दी। इनमें एक युवा मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी हैं और 2 अन्य नेता हैं। अधिकारियों ने बताया कि आतंकियों ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के योरकासी पोरा में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव फिदा हुसैन को अन्य 2 साथी नेताओं समेत गोली मार दी। फिदा हुसैन ने अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ दिया, जबकि 2 अन्य भाजपा नेताओं ने बाद में अस्पताल में ही दम तोड़ा। अन्य मारे गए भाजपा नेताओं की पहचान उमर रमजान हजान तथा वसीम अहमद के तौर पर की गई है। भाजपा के कश्मीर के मीडिया इंचार्ज मंजूर बट ने इन हत्याओं की पुष्टि की है। कश्मीर में यह पहला अवसर है कि इतने भाजपा नेताओं की आतंकियों ने एक साथ गोली मारकर हत्या की हो। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।